स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 8 एम्पियर पर मीटर व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.6 टेस्ला एट ए टेम्परेचर ऑफ 4 केल्विन। व्हेन द सेम मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.2 टेस्ला एट ए टेम्परेचर ऑफ 16 केल्विन द मैग्नेटाइजेशन विल बी। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो उसका मैग्नेटाइजेशन होगा। तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा मीन्स आपका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है यहाँ पर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप रख रहे हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो जो टेम्परेचर आप वहां दे रहे हो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी ले लो, ठीक है, तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, उसको सपोज हम लोग एम से दिखाते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो टेम्परेचर के। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन टी, और जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन टी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, सी क्या है, क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं उसको, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और टी क्या है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्यूरीज लॉ। ये क्या होता है, क्यूरीज लॉ। तो इस केस में आपको मैग्नेटाइजेशन कितना दिया हुआ है, 8 एम्पियर पर मीटर फर्स्ट केस में, केस वन में, तो एम की जगह 8 एम्पियर पर मीटर इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, 0.6 टेस्ला, कितना टेम्परेचर है, 4 केल्विन, चलो इतना हो गया। तो यहाँ से आपको सी मिल गया, सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 अपॉन 0.6, तो डेसिमल हटा के 10 लिख दिया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सो सी इक्वल्स टू 160/3, तो ये सी आ गया, आपका कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। अब हमारा केस टू आ जाता है, सो केस टू में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो केस टू में क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इतना है और टेम्परेचर इतना है, मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, तो मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, सी इंटू बी अपॉन टी, सी का वैल्यू हो गया 160/3, और बी का वैल्यू कितना बोल रहा है, 0.2, और टी कितना बोल रहा है, 60, तो ये 16 इंटू 10, ठीक है, तो 0.2 इंटू 10 करोगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, तो 2/3 एम्पियर पर मीटर। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट, थैंक यू।